फ्रेंड्स, वेलकम बैक आर स्टडी चैनल एच यू लर्न। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 15 साउथ अमेरिका एंड देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो आज हम लोग करेंगे यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर फिल करने जा रहे हैं एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका के बारे में। साउथ अमेरिका का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए। राइट डाउन द एक्सपांसन ऑफ लेटिट्यूड एक्सपांसन एंड लॉन्गिट्यूडिशनल एक्सपांसन ऑफ साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार जो देखने को मिलेगा 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की ओर है। यहाँ पर इसका एक्सपांसन है अगर लैटिट्यूड की बात करें तो। अगर इसकी देशांतर की बात करें, इसकी लॉन्गिट्यूडिशनल की बात करें तो 35 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड से 81 डिग्री वेस्टर्न देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड यहाँ पर इसका एक्सपांसन देखने को मिलेगा। अगर हम इसको मैप के ऊपर देखें तो ये है हमारा इक्वेटर, और इक्वेटर से अगर हम इसकी नॉर्थ की तरफ यहाँ पर इसका जो एक्सपांसन है वो इस इक्वेटर से 12 डिग्री नॉर्थ डिग्री पर है यहाँ पर लेटिट्यूड। और अगर हम इसके साउथ की तरफ देखें तो यहाँ पर इसका है यहाँ पर लेटिट्यूडनल जो इसका एक्सपांसन है वो 35 डिग्री वेस्ट 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। अगर हम इसके वेस्टर्न ईस्ट टू वेस्ट की तरफ एक्सपांसन देखें तो हमारा ये कहाँ से मेज़र किया जाता है, ये ग्रीनविच लाइन से यहाँ पर मेज़र किया जाता है। तो ग्रीनविच लाइन से ये कितना यहाँ पर दूरी पर यहाँ पर इसका एक्सपांसन है 35 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 81 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड के यहाँ पर इसका एक्सपांसन है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेज़र किया जाता है। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिशनल मेज़र करने के लिए इक्वेटर से मेज़र करते हैं, अगर लॉन्गिट्यूडिशनल के लिए यहाँ पर ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री से यहाँ पर मेज़र करते हैं। तो इस तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न 2। मकर रेखा महाद्वीप के कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा जो है इस दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर गुजरती है, पेरू, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। यहाँ पर पेरू ना होकर यहाँ पर बच्चों यहाँ पर चिली कर लीजिएगा, चिली चिली कर लीजिएगा। तो इस तरीके से अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पर ये है हमारी इक्वेटर, राइट। यहाँ पर क्या बोल रहा था वो, यहाँ पर बोला जा रहा था कि कहाँ कहाँ से गुजरती है यहाँ पर क्या बोला था, मकर रेखा, ठीक है। तो मकर रेखा जो हो यहाँ से गुजर रही है वो चिली से होते हुए, अर्जेंटीना से होते हुए, पराग्वे से होते हुए और ब्राज़ील से होते हुए यहाँ से गुजर रही है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो हम नेक्स्ट करते हैं, पनामा नहर का क्या महत्व है। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ पनामा कैनाल। सो राइट डाउन, पनामा क्या है कि पनामा जब नहीं बनी थी, राइट, इसके बनने से पहले क्या होता था कि जहाज़ों को पूरा यहाँ पर घूम के जाना पड़ता था साउथ अमेरिका के जितने भी पूर्वी तट हैं, पर जाने के लिए क्या किया जाता था, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाने के लिए लंबा समुद्री रास्ता यहाँ पर तय करना पड़ता था, राइट। जो अब यहाँ पर पनामा नहर बन जाने के बाद अब कुछ ही घंटों में ये संभव हो पाया है, राइट। तो इतना यहाँ पर हमें महत्व देखने को मिलता है जिससे यहाँ पर समय की बचत के साथ साथ ईंधन की बचत भी होती है, राइट। प्रश्न 4, क्या कारण है कि पेटागोनिया का जो मरुस्थल है वो शीत और शुष्क मरुस्थल है। तो पेटागोनिया का जो मरुस्थल है वो एंडीज माउंटेन के क्या है कि वृष्टिछाया क्षेत्र में अवस्थित होने की वजह से यहाँ पर वर्षा कम प्राप्त होती है, जिस वजह से यहाँ पर क्या ये शुष्क है, राइट। और साउथ वर्ल्ड की तरफ यहाँ पर साउथ हेमिस्फीयर के और फैले होने की वजह से यहाँ पर शीत है, राइट, पोल की तरफ। तो यहाँ पर हमें मुख्य कारण क्या है कि ये वृष्टिछाया क्षेत्र में पड़ जाता है जिस वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती। तो यहाँ पर वृष्टिछाया क्षेत्र क्या कहलाता है, तो यहाँ पर जब कोई क्षेत्र पर्वत के यहाँ पर इस वाले रीजन में आ जाता है, राइट, और यहाँ से आने वाली जो वेट हवाएं होती हैं, राइट, तो यहाँ से टकराकर सीधी ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के बाद जैसे ही वो नीचे आने की ओर होती हैं तो यहाँ पर काफ़ी लंबा रास्ता ये तय कर चुकी होती हैं, और इतना क्षेत्र यहाँ पर ये शुष्क रह जाता है और यहाँ पर कम बारिश प्राप्त हो पाती है, राइट। यही कारण है कि यहाँ पर पेटागोनिया का मरुस्थल भी यहाँ पर यही वृष्टिछाया क्षेत्र ये कहलाता है वृष्टिछाया क्षेत्र। तो यहाँ पर आने की वजह से कम पानी यहाँ पर प्राप्त हो पाता है जिस वजह से शुष्क है। तो धरातलीय बनावट के आधार पर महाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया।
उसके नाम लिखो और किसी एक की यहाँ पर फीचर बताना है हमें। तो यहाँ पर फिजिकल फीचर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चार भागों में बांटा गया है साउथ अमेरिका को। तो पूर्वी उच्च भूमि जिसे हम ईस्टर्न हाईलैंड कहते हैं, वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट, पश्चिमी तटीय बेल्ट, एंड पर्वतीय श्रेणी, पश्चिमी पर्वतीय श्रेणी, मध्यवर्ती मैदान। तो इस तरीके से आप चार भागों में बांटा गया है उनको। तो किसी एक का अगर आप बात यहाँ पर विशेषता बताना चाहें तो इस तरीके से आप, आपको जो लगे उसकी विशेषता बता सकते हैं। पश्चिम तटीय बेल्ट यहाँ पर एक बताई गई, एंडीज माउंटेन रेंज, प्रशांत महासागर के बीच ये उत्तर से लेकर के दक्षिण में फैली है सक्रिय बेल्ट की सभी जगह एक समान नहीं है, राइट। जो पश्चिम तटीय बेल्ट है ये कहाँ से किस किस के बीच में फैली हुई है, एंडीज माउंटेन रेंज और प्रशांत महासागर के बीच फैली हुई है, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैली हुई है जो कि अनइवन है, हर जगह एक सा नहीं है। और इसी बेल्ट में आपको देखने को मिलता है विश्व का, सॉरी, यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, राइट। वर्ल्ड ड्राइस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है इसको। प्रश्न 6, दक्षिण महा अमेरिका महाद्वीप की जलवायु की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर हमें क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक बताना है इसके साउथ अमेरिका के। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, सॉरी, इसका जो महा ये जो महाद्वीप है वो इक्वेटोरियल रीजन में यहाँ पर उपस्थित है, राइट। और इक्वेटोरियल रीजन उपस्थित होने की वजह से यहाँ पर अधिक वर्षा और अधिक गर्म यहाँ पर पाया जाएगा। अधिकांश हिस्सा यहाँ पर क्या प्राप्त करता है, 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश प्राप्त करता है। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना जैसे जो देश हैं वो यहाँ पर गर्मी में, समर डेज़ में 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर बारिश ही यहाँ पर प्राप्त कर पाते हैं। उत्तरी चिली और दक्षिण पेरू गर्म और शुष्क ड्राई जलवायु वाले देश हैं। यहाँ पर आपको इस वजह से, यहाँ पर ड्राई जलवायु होने की वजह से यहाँ पर आपको आटागामा मरुस्थल मिलेगा जो कि बहुत ही कम बारिश यहाँ पर प्राप्त कर पाता है, राइट। तो इस तरीके से आप विशेषता बता दीजिएगा, यानी वाटर डिवाइडर क्या कहलाता है, जल विभाजक क्या समझते हैं आप। तो ऐसा ऊंचा क्षेत्र या पर्वतीय या पठारी क्षेत्र जहाँ से दो डायरेक्शन में नदियों का फ्लो, यहाँ पर पानी जो है प्रभावित प्रवाहित होता हो दो दिशाओं में, राइट। जैसे कि यहाँ पर ये पर्वतीय क्षेत्र है और एक इन पर्वतीय क्षेत्र की वजह से, ऊंचे क्षेत्र होने की वजह से दो धाराएं जब अपोजिट दिशाओं में यहाँ पर बहने लगती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, इसे बोल देते हैं वाटर डिवाइडर, जल विभाजक, राइट। तो प्रश्न 8, महाद्वीप में पाए जाने वाली जो प्रमुख वेजिटेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक बताइए, कुछ फीचर्स बताइए, राइट। तो अमेजन बेसिन के आसपास जो है भूमध्य सागरी जलवायु यहाँ पर क्या पाई जाती है, भूमध्य सागरी यहाँ पर जलवायु पाए जाने की वजह से यहाँ पर सेल्वास, यहाँ पर जो भूमध्य सागरी जंगल पाए जाते हैं, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर जो भूमध्य सागरी जंगल पाए जाते हैं जिसे हम सेल्वास कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्वास बोलते हैं, जहाँ की जलवायु आपको कैसी देखने को मिलेगी, गर्म मिलेगी और ह्यूमिड टाइप की मिलेगी, आद्र, नमी में हवा में नमी पाई जाएगी, राइट। यहाँ पर आपको सिनकोना वृक्ष मिलेगा जिससे कुनेन निकाली जाती है, कुनेन की गोली जो कपड़ों में रखते हैं आप, कार्नोवा वृक्ष से बैग्स बनाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष वृक्ष आप लिख सकते हैं रबर, खजूर, सिनकोना, शीशम, रोजबुड वगैरह, ये जो हैं कुछ आप विशेषताएं यहाँ पर लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी कुछ एक यहाँ पर विशेषताएं लिख सकते हैं, राइट। लैटिन अमेरिका से क्या समझते हैं भाई, तो लैटिन अमेरिका एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा संयुक्त ऐसे राज्य देशों का संयुक्त क्षेत्र जहाँ पर मुख्यतः रोमन, पुर्तगाली, स्पेनिश और लैटिन भाषाएं बोली जाती हैं। इन सारे देशों को हम क्या बोलने लगते हैं संयुक्त रूप से, लैटिन अमेरिका। और इनमें से जो आपने देखा होगा सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज और ये वाला जो क्षेत्र, ये सारा कुछ मिला करके इन्हें लैटिन अमेरिका बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर रोमन, पुर्तगीज, स्पेनिश यहाँ पर बोली जाती हैं। तो आज का जो अंतिम प्रश्न होगा, हमें यहाँ पर महाद्वीप में क्या बताना है, यहाँ पर दिए गए बिंदुओं को यहाँ पर दर्शाना है, राइट। तो
तो आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं इस महाद्वीप में, राइट। ये जो एडी के आकार का दिख रहा है, इस महाद्वीप के जो वेस्टर्न घाट में यहाँ पर देखेगा आपको, ये यहाँ से नॉर्थ से लेकर साउथ तक क्या फैला हुआ है, एंडीज माउंटेन रेंज, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, राइट, ये फैली हुई है।